कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत खस्ता है। बारिश के दिनों में यहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अजित जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विनी यदू ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे गाँव हैं जो सड़क देखने तक को तरस रहे हैं। पंडरिया विकास खंड के कोयलारी कला गांव जहां सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क को छोड़ दिया गया है, उसके निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कीचड़ में धान लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें जो है वो जर्जर है। आप देख रहे हैं हम लोग, ये कोयलारी कला करके गांव है, यहां सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क को छोड़ा गया है। और अगर गाँव में आने जाने की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, तो गाड़ियाँ आ नहीं सकती, सिवाय खाट मिले जाने का कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। हम लोग आज गांव वालों के साथ मिल के आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सड़क को जोड़ा जाए। इसके अलावा और जितनी मार्ग है, चाहे पंडरिया ब्लॉक का एक ऐसा गांव जो कोयलारी है, जहां आज हम पूरे ग्राम वासियों के साथ बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो साथी हैं, ग्रामवासी हैं, वो पूरे कीचड़ भरा जो रोड है उस पर बैठे हुए हैं। और हमारे ग्रामवासियों का एक ही मांग है कि उनको इस सड़क पर चलने के लिए पक्की सड़क मिले। और ये कोई बड़ा मांग नहीं है। जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट की बात करती है, गांव-गांव तक सड़क का जाल बिछाने का बात करती है, वहां गांव वालों को सड़क पर चलना नसीब नहीं हो रहा है। और अपने गांव में सड़क के लिए उनको कीचड़ में बैठना पड़ रहा है। आज मुख्य ग्राम पंचायत कोयलारी कला के मुख्य रोड में बैठे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, जो कि कांग्रेस का हमें समर्थन मिला है और समस्त ग्रामवासी के तत्वावधान में बैठे हैं। और आने वाले आगामी अभी विधानसभा स्टार्ट होने वाला है, मैं हमारे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, उसको हम अपने गांव में प्रवेश नहीं होने देंगे अगर ये रोड का मांग पूरा नहीं करते हैं तो। और हम लोग रोड के विकास नहीं होगा गाँव के कोयलारी कला पंडरिया ब्लॉक के कोई अधिकारी नहीं सुनने वाले हमारे कोयलारी गाँव पर।